इसको थोड़ा आज सा का ड्रॉप टॉपिक करती हूँ बहुत अपने फेस पे। वाह, ये देखिए कितनी। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, स्किन के रिलेटेड है। ग्लास स्किन कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन ब्राइट हो, शाइन करे। अगर कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा मेकअप ना करें, हल्का फुल्का मेकअप करें तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे, सॉफ्ट हो आपकी स्किन, देखने वाला भी आपकी स्किन खुश हो जाए। आजकल मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ट्रैवलिंग करने की वजह से पिंपल्स भी निकल आते हैं, तो आप लोगों को आज मैं जो रेमेडी बताऊँगी ज़बरदस्त सी रेमेडी है, आप लोग उसको यूज़ करिएगा। वन डे चैलेंज है, आपकी स्किन स्मूथ, शाइन और बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी और ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, ग्लास स्किन जिसको कहते हैं। अच्छा, ग्लास स्किन के रिलेटेड कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो ग्लास स्किन होती है उसके ऊपर से बड़ा आप देखोगे तो स्किन के अंदर से सब कुछ नज़र। ग्लास स्किन का मतलब ये होता है कि स्किन जो है वो आपकी ब्राइट करे, शाइन करे, और जो आपका टोन चेंज हो जाता है स्किन का, फर्स्ट स्किन डल हो गया है, डार्क हो गया है, वो ब्राइटनेस की तरफ चला जाए। अब देखिए माशाल्लाह मेरी स्किन माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट है, बहुत ज़्यादा स्किन से, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से थोड़ी सी ब्राइट है मेरी स्किन, क्योंकि मैं रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ। आप देखें कि मैं डेली फेस वॉश अपना जो है वो बेसन से फेस वॉश करती हूँ, दूसरा फेस वॉश जो है मैं वो रूटीन के हिसाब से शाम को कर लिया, रात को कर लिया। तो आप कोशिश किया करें जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर यूज़ किया करें, जो आपको नेचुरल ने दी हैं, नेचर के ज़्यादा करीब हो जाएँ तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपकी स्किन भी ग्लोइंग और फ्रेश हो जाएगी। आज जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी बहुत ज़बरदस्त है, स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है, आप लोगों को लाजमी ट्राई करेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों की स्किन का वो वन डे चैलेंज कैसा रहा। मैं आपको बताऊं मेरी स्किन देखें अच्छी सॉफ्ट हो गई है यही वाली रेमडीज़ यूज़ करके। आप लोगों ने अपनी स्किन केयर करनी है, सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है, फेस वॉश आप बेसन के साथ कर लें, जो मैंने DIY फेस वॉश बताया आप उसके साथ कर लें। वन टाइम आप लाजमी इन चीज़ों के साथ फेस वॉश किया करें, सेकंड टाइम आप फेस वॉश अपना कोई भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल उसमें नहीं होने चाहिए। सोप आप फेस पे कोशिश करें ना यूज़ किया करें, जो केमिकल्स वाले सोप आजकल आ गए हैं वो ना यूज़ करें। हाँ, हर्बल सोप आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन को वो सूट करते हैं। ठीक है, चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और क्या क्या हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए जी एक बाउल, खूबसूरत सा बाउल ले लें। और जी आप चीज़ें मैंने सामने रखी हैं, बहुत इजी है, घर में आपको किचन में मिल जाएंगी, आपने इसको आराम से बना के वन टाइम यूज़ कर लें फेस पे, या डेली बनाना चाहे डेली बनाने, वीक में लगाना चाहिए, आप लोगों की मर्ज़ी है। सबसे पहले आप ले लेना है जी बेसन, मैं अभी आज सिर्फ आपको फेस के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वन एंड हाफ आप ले लें बेसन, ठीक है। उसके अंदर आपने डालना है खुश्क दूध, कोई भी जो घर में पड़ा हुआ है, कोई भी बच्चों वाला भी पड़ा वो भी चल जाएगा। ड्राई मिल्क डालें, ठीक है, वन टेबल स्पून आपने इसके अंदर ड्राई मिल्क डाल लेना है, ठीक है। अब आपने इसमें वन टीस्पून आप इसके अंदर हनी डालें, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर हनी मिक्स करूँगी, ये हमारी फेस के लिए बहुत अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं। बेसन का आपको पता है कि वो रिमूव करता है, सन टैन को रिमूव करता है, हमारे डार्कनेस को रिमूव करता है, हमारी डल स्किन को फ्रेश करता है, हमारी स्किन को ब्राइट और स्मूथ कर देता है। इसके अलावा जो ड्राई मिल्क है इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, हमारी स्किन के ऊपर से जो डेड स्किन हो जाती है उसको ईजीली रिमूव करता है। ये एज अ स्क्रब के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। हनी जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हमारी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट रखेगा, ठीक है। इसके अंदर अब हमने मिक्स करने के लिए ले लेना है कच्चा दूध, लेने कच्चा नहीं है तो बॉइल्ड भी ले लें, कोई इतनी वो बड़ी बात परेशानी वाली बात नहीं है। आपने इसको दूध लेके मिक्स कर लेना है, अगर दूध की जगह आप दही लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप दही का यूज़ भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करके आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है, और ज़्यादा थिक पेस्ट भी नहीं होना चाहिए कि बस अच्छा सा पेस्ट हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो। तो आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, आप कोशिश करें कि इसको दिन में एक दफ़ा लाजमी यूज़ किया करें। आप इन चीज़ों से अपने फेस को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने फेस को स्मूथ और शाइन स्किन बना सकती हैं। तो ये मैं आप लोगों को आज एक अच्छा सा फेस पैक बता रही हूँ जो आपकी स्किन को ग्लो करेगा। ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक दिन का चैलेंज करें, आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, ठीक है। चलिए जी पेस्ट अब हमारा रेडी हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ लगा के। अच्छा जी पेस्ट हमने रेडी कर लिया, अब मैं जी बालों को बांधने लगी हूँ। बालों को बांध लें वही बेहतर होता है ताकि बाल आपके इन चीज़ों के साथ ख़राब ना हो, ठीक है। ये लें जी,
बाल मैंने अच्छे तरीके से बांध लिए। अब हम ये वाला जो हमने पेस्ट रेडी किया था, ये वाला पेस्ट हम फेस पे लगाएंगे, ठीक है। ये देख लें, अभी मेरे फेस पे कुछ नहीं लगा हुआ, नथिंग सॉयल लिपस्टिक के। आज मैंने लिपस्टिक बस लगाई है, ना कोई ब्लश ऑन है, ना कोई मैंने सन ब्लॉक लगाया है, ना मैंने कोई टिंट यूज़ किया, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। और ये मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत अमेजिंग आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ज़बरदस्त सा ये फेस पैक है। मुझे आजकल थोड़े से पिंपल का इशू हुआ हुआ है, पिंपल निकल रहे हैं मेडिसिन की वजह से। ये आप लोग बच जाएगा, आप लोग हैंड पे लाजमी यूज करें। फेस के साथ साथ आप अपनी गर्दन, अपने हाथ, अपने पैरों की केयर क्या करें, मेरी चैनल पे जाकर आप जो है फिट हैंड वाली वीडियो लाजमी देखें, बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, अमेजिंग रिजल्ट है। आप लोग वीडियो देखिएगा और उसको अपने हाथों पैरों पे अप्लाई लाजमी करना। मैं अभी नेक पे नहीं लगा रही हूं, आप लोगों ने नेक को नहीं बोला, आप लोगों ने नेक पे लाजमी इसको यूज करना। चलिए, इसके जो इंग्रीडियंस है ज़बरदस्त कमाल के इंग्रीडियंस है, आप लोगों का मज़ा आ जाएगा अपनी स्किन देख के, ठीक है। आपने इसको ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने देना है। जब ये अच्छा सा थोड़ा सा ड्राई होने लग जाएगा तो आप लोगों ने हल्के हल्के हाथों के साथ इसको रब करके उतार लेना। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ अपने फेस पे। तकरीबन 10 मिनट्स ऑलमोस्ट गुजर गया, मैंने 10 मिनट्स तक रखा है। आप 15 to 20 मिनट्स ईजीली रख सकते हो, काम वगैरह कर लो जब थोड़ा ड्राई हो जाए, ठीक है। अब आपने इसको हल्के से हाथ के साथ ऐसे रब करना है कि आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हैं वो इजीली स्क्रबिंग से निकल जाएं। ये वाले एरिया को ज़्यादा करना, यहाँ पे वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं। सर्कुलर मोशन में करें, ये देखें। फिर आपने फेस वॉश करना है और रिज़ल्ट देखिएगा। मैंने आप लोगों के सामने अप्लाई किया, मैंने यकीन करें फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी स्किन दिखाऊंगी, आप लोगों को कितना अच्छा ग्लो आया है, ठीक है। चलिए, मैं फेस वॉश करके आप लोगों के आती हूँ। वाह 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 वाह, ये देखिए कितनी शाइन और स्मूथ कर रही है, कितनी शाइन आ गई है स्किन में, एकदम ग्लो आ जाता है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें। बेसन तो वैसे भी स्किन के लिए इतना कमाल है कि आप लोगों की जो सन टैन हो जाता है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको आप यूज़ करते रहें, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स हो गया, ब्लैक हेड्स हो गए, और ये स्किन जो डल हो जाती है, कमाल का रिजल्ट देता है ये बेसन। बेसन तो सन टैन रिमूव करने का बहुत बहुत बेस्ट सोर्स है। आप इसको अपनी रूटीन में फेस वॉश के तौर पर लाजमी इसको यूज़ किया करें। देखें, बेसन के अंदर थोड़ा सा दूध का डाल के पेस्ट बना के आप इजीली अपना फेस वॉश किया करें। देखें स्किन कितनी नीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अपने कज़न, रिलेटिव सबके साथ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ और मुझे मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।